जबलपुर के युवा निर्देशक संदीप पांडे के निर्देशन में बनी फिल्म चौसर फिरंगी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में जबलपुर के साथ ही टीकमगढ़ और मुंबईया कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म स्लम बस्तियों में रहने वाले नौजवानों की कहानी है, जो 5 अप्रैल को रिलीज होगी। देखिए रिपोर्ट। पहली बार मध्य प्रदेश में निर्मित व निर्देशित फिल्म चौसर फिरंगी के जरिए एक समाज की कहानी दिखाने की कोशिश की है, जो गंदी बस्तियों के लोगों को हकारत की दृष्टि से देखती है, लेकिन खुद को उनसे बेहतर मानती है। लेकिन धीरे धीरे जब उच्च वर्गीय समाज की परतें खुलती जाती हैं, तो पता चलता है कि गंदी बस्ती वाले लोग उनसे ज्यादा नैतिक हैं। गायत्री मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण मध्य प्रदेश की लोकेशन और भाषाई अंदाज है। फिल्म की कास्ट ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। यह फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी। ये फिल्म सर जबलपुर में ही पूरी शूट हुई है और सारे कलाकार बनाने वाले से लेकर निर्देशन, संगीत सब MP के लोगों का ही है, सब यहाँ के लोग हैं। यहाँ के म्यूज़िक को हमने प्रमोट किया है, यहाँ की बुंदेली, बघेली, मालवा को हमने प्रमोट किया है। यहाँ जो कि लैंग्वेज बोली जाती है, हमारी आम भाषा, हमने उसको प्रमोट किया है, उसमें भी फिल्म बनाई है। और ये फिल्म का शूट शेड्यूल 45 दिन का था और पूरा टोटल टाइमिंग इसको 2 साल लगा। 3 करोड़ इसका बजट है और अपेक्षा है MP के लोगों से, क्योंकि हम इसी परिवार से हैं, तो हम इच्छा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि अगर हमने ये शुरुआत करी और यहाँ के लोगों को मौका दिया है, रोज़गार को बढ़ावा दिया है, सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश के लोग, हमारी आम जनता जिनके बीच के हम हैं, हम भी उन्हीं के बीच के हैं, वो प्यार दें, सम्मान दें और फिल्म को देखें। पिक्चर के बाद भी नेक्स्ट पिक्चर में बनाऊँगा, बिल्कुल बनाऊँगा, एक अच्छी कहानी के साथ बनाऊँगा, अच्छे मैसेज के साथ बनाऊँगा। लेकिन ये मेरा वादा है आप सब लोगों से, मैं जबलपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश का ही सिनेमा बनाऊंगा, यहाँ के लोगों के सहयोग से ही बनाऊंगा, यहाँ के लोगों को लेके ही बनाऊंगा। मैं फिल्म बनाने का पैसा कमा भी लिया तो मुंबई नहीं जाऊंगा, यहाँ ही बनाऊंगा। पुरुषम भाग्यम नारी चरितम देवो न जाने, पब्लिक क्या करे ये कोई नहीं कह सकता सर। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को पब्लिक ने बैठा दिया और स्त्री और बधाई और इसी फिल्म को लोगों ने 200 करोड़ पहुँचा दिया। ये तो पब्लिक है सर, पब्लिक जो भी आशीर्वाद देगी वो हमें स्वीकार होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि हमें उम्मीद है कि हमने अच्छा किया है, पूर्ण सत्य और निष्ठा के साथ किया है, एक अच्छे मन से अच्छा सिनेमा बनाया है, बिना किसी वल्गैरिटी के, बिना किसी फूहड़ चीज़ों के, तो पब्लिक समझेगी तो ज़रूर सपोर्ट करेगी और पब्लिक का प्यार है अगर मिलेगा तो हम बिल्कुल खड़े रहेंगे और आगे भी खड़े रहेंगे सर। म्यूजिक व ट्रेलर जी म्यूजिक कंपनी ने लॉन्च किया है। खास बात यह है कि चौसर फिरंगी के पहले दिन के कलेक्शन की 10% राशि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के सहायता कोष में दी जाएगी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जबलपुर के प्रतीक पचौरी, अंशुल सिंह ठाकुर, रेखा मिश्रा, सारिका नायक, अमर परिहार समेत अन्य एक्टर्स हैं। फिल्म के निर्माता सिद्धार्थ यादव, लेखक व निर्देशक संदीप पांडे हैं। फिल्म का संगीत भोपाल के श्रुति धर्मेश की जोड़ी व आशी सागर ने दिया है। फिल्म का ब्रास सेक्शन मनोज बेन ने दिया है।